नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 फरवरी 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अश्विनी ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर अश्विनी आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे, अश्विनी आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की तिथि कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, इन दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और इस दिन घनिष्ठा नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो परिग नाम का योग रात्रि के प्रातः काल 2:19 तक रहेगा। उसके उपरांत ही दोस्तों इन दिन शिव नाम का शुभ योग प्रारंभ होगा और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 11:17 से लेकर दोपहर के 12:41 तक। दोस्तों, ये समय आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और दोस्तों चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम पर प्रगति का एहसास होगा। दोस्तों, लगातार पवित्र विचार करते रहें, बुरे संसारों को दबाने का एकमात्र साधन यही है। दोस्तों, जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। दोस्तों, अगर लोग केवल जरूरतों पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार हो जाता है। दोस्तों, नकारात्मक लोगों की संगति से बचिए, सकारात्मक बनिए और लोगों को भी अपने सकारात्मक विचारों से अभिभूत कीजिए। दोस्तों, ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यह समय पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय होगा। यह समय किसी महत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी कोशिश भी कामयाब होगी तथा अपने नजदीकियों के साथ संबंधों में भी आश्चर्यजनक सुधार आएगा और दोस्तों आप अपने जीवन साथी किसी कार्य की कोई नई शुरुआत भी करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, कभी कभी फालतू कामों में और दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमने फिरने से या फिर घूमने फिरने में समय बिताने से महत्वपूर्ण कार्य भी यश में रुक सकती है। यह समय पूरा ध्यान अपने कार्यों पर लगाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों, किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति में घर के अनुभवी व्यक्ति की सलाह यश में आप अवश्य लें, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, आपके लक्ष्य की प्राप्ति को और तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर भी जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक आपको समाधान मिलना मुश्किल हो सकता है। अधिक से अधिक वर्तमान में रहकर अपने प्रयत्नों को जारी रखें। दोस्तों, आपके प्रयत्न में बाधा डालने वाले लोगों से इसमें दूरी बनाकर रखें और जितना हो सके उतना उनसे वाद विवाद करने से बचें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी यश में बढ़ेगा। कुछ राजनीतिक लोगों से मुलाकात भी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। प्रभावशाली लोगों के जो सानिध्य में समय व्यतीत करने से आपके व्यक्तिगत में भी निखार आएगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय किसी भी प्रकार का लोन या फिर उधार लेने से योजना न बनाए दोस्तों, क्योंकि भविष्य में उसे चुकाने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ धन संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें, कई बार ज़्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल जाता है। साथ ही दोस्तों, परिवार के सभी सदस्यों की आर्थिक परिस्थिति अच्छी रहेगी, परिवार के किसी व्यक्ति को उनके कार्य के लिए सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, सामाजिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी जो नए लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए उपयुक्त होगी। दोस्तों, बच्चों की जरूरतों को नज़रअंदाज यश में ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। साथ ही दोस्तों, सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, मन मुताबिक पेमेंट वापस मिल जाने से मन में राहत मिलेगी। धार्मिक संस्थाओं में सेवा संबंधी कार्य के प्रति पूर्ण योगदान रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपको किसी काम के प्रति निर्णय लेने से कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए अति आवश्यक है कि घर के वरिष्ठ व्यक्ति या फिर अनुभवों की आप सलाह लें। दोस्तों, अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, तो इसका ध्यान रखें।
यह समय आपके लिए जो समय होंगे आप पर डिप्रेशन और नकारात्मक बातों का प्रभाव अधिक दिखेगा, जिसकी वजह से आप सभी से दूर रहना पसंद करेंगे। दोस्तों, आपके अंदर बन रही नकारात्मकता की वजह से आप जिन बातों में प्रगति देख रहे थे उन बातों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से सुफल प्रदान करने वाला है। दोस्तों, व्यक्तिगत कार्यों में सफलता मिलने से मानसिक शांति भी आप अनुभव करेंगे। कठिन से कठिन कार्यों में परिणाम आप अपने दृढ़ निश्चय शक्ति से निकालने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, यह समय ग्रह स्थिति यही अगवा कर रही है कि स्वयं पर भरोसा रखकर कार्य करें तभी सफलता प्राप्त होगी। तो समाज में पहचान बनाने का जो समय है यह बिल्कुल सही समय होगा। इसके बाद दोस्तों यह समय आपकी बढ़ती एकाग्रता काम के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएगी और सफलता प्रदान करेगी। दोस्तों, भूतकाल में निकलकर केवल भविष्य का ही विचार करते रहना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आपके काम की गति को औरों द्वारा पकड़ पाना मुश्किल हो सकता है। दूसरों के लिए ये जो समय है अधिक वक्त ना निकालें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। यह समय दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यावसायिक स्थल पर कुछ नए अनुबंध मिलेंगे जो कि आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद साबित होगा तथा कार्य क्षेत्र में भी आपकी छवि व फिर प्रतिष्ठा में यह वृद्धि करेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी स्थितियाँ यथावत ही रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों यह समय व्यवसाय में स्थान परिवर्तन की संभावनाएँ बन रही है। टैक्स लोन आदि जैसे मामलों में भी कुछ उलझनें उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों इन कामों में आज के दिन आप ना ही पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, अर्थात निर्यात संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण अनुबंध यश में आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों यह समय व्यवसाय में या फिर मार्केटिंग संबंधी कार्यों को निपटाने का उचित समय होगा। यह समय सारा दिन बाहर की गतिविधियों में व्यतीत होगा। कुछ ठोस निर्णय भी आप यश में ले पाएंगे। नौकरी में स्थिति जो है यश में मौजूद बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप आपके लिए लाभदायक साबित होगा। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन संबंधी कार्यों में व्यवस्था बनी रहेगी। दोस्तों, यश में परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा जो भी संबंध है यश में बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों वैवाहिक जीवन यश में सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगी तथा विवाह में जो परिणित होने की अवसर भी यश में बनेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे किसी के प्रति बढ़ता आकर्षण आपके लिए जो है सकारात्मक बदलाव भी आएगा। दोस्तों यह समय इसके उपरांत आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिलने से विवाह संबंधी योजनाएं भी बन सकती है। दोस्तों, घर में विवाह की तैयारियों को लेकर घर में उत्साह भरा माहौल भी यह समय रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। घर का वातावरण भी यह समय मधुर रहेगा। घर के किसी व्यक्ति के विवाह संबंधी बातचीत भी यह समय चल सकती है। इसके उपरांत ही दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों पारिवारिक माहौल इसमें सुखमय बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य यह समय उत्तम रहेगा, परंतु थोड़ी सी खांसी जुकाम जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। जरा सी सावधानी यश में आपके लिए बचाव करेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे कभी कभी माइग्रेन तथा सिर दर्द की वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही दोस्तों यश में कभी कभी मौसम में बदलाव के कारण आपके ऊपर आलस भी हावी हो सकती है। दोस्तों यश में आपको बार बार आगाह किया जाता है कि गले से संबंधित किसी भी इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए दोस्तों इन्हें गंभीरता से लें और तुरंत इलाज लें। यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।